जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सुबह हम लोग रावलपिंडी से लाहौर रेल कार के का सफ़र करते हुए लाहौर पहुंचे और इस वक्त हम लोग वापस जा रहे हैं लाहौर से रावलपिंडी और 6 बजे हमारी ट्रेन का टाइम है। तो मैं इस वक्त लाहौर स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और आपके लिए मैं व्लॉग बना रहा हूं। ये भी बहुत ही कदीम रेलवे स्टेशन है और ये भी रावलपिंडी स्टेशन की तरह जैसे रावलपिंडी का स्टेशन है उसी तरह ये भी एक कदीम रेलवे स्टेशन है। इस वक्त मैं लाहौर के प्लेटफॉर्म पे आपसे मुखातिब हूँ और ठीक 6 बजे सुबह की रफ्तार रेल कार यहाँ से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी और हम लोग 1 घंटा पहले ही स्टेशन पर आ चुके हैं। अभी इस वक्त 5:15 हुए हैं। ये मुख्तलिफ स्टॉल लगे हैं जी रेलवे स्टेशन पर, लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ स्टॉल हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत से? ये चाय का कप कितने का देते हैं? ये चाय का कप 30 का। 30 रुपए का? आप तो बड़ा मुनासिब रेट रखा हुआ है माशाल्लाह। चलें जी, अभी थोड़ी देर में आपसे भी चाय पीते हैं आगे। ये रेल कार खड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, 6 बजे। ये जो गाड़ी खड़ी है जी, ये 6 बजे वाली रेल कार है जो कि रावलपिंडी के लिए रवाना होगी।
नाजिन ये इस ट्रेन का इकोनॉमी क्लास है, इसमें चार क्लास हैं, एसी पॉलर है और इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है और एसी स्टैंडर्ड है। ये ट्रेन ठीक 6 बजे लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। ये लाहौर का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। जब इंडिया से समझौता ट्रेन चला करती थी तो वो इसी स्टेशन पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर आया करती थी। ये इसका एसी स्टैंडर्ड है। ये हमारा डब्बा है जी, अभी अंदर जाएंगे तो देखेंगे हमारी कौन सी सीट है। कौन सा लोकोमोटिव रावलपिंडी लेकर जाएगा वो भी देखते हैं, कौन सा लोकोमोटिव इसके साथ अटैच किया गया है। आवाज़ शोर की इसलिए ज़्यादा है कि पावर वैन चल रही है, इसलिए शोर बहुत ज़्यादा है और इंजन का शोर भी इसीलिए ज़्यादा है। इसके साथ लोकोमोटिव है जी GMCU-154926, ये रावलपिंडी लेकर हमें जाएगा। और ये नया वेटिंग हॉल बन रहा है लाहौर स्टेशन पर। ये देखें और ये नया वेटिंग हॉल है जो बन चुका है।
सुपर डिलेक्स का डब्बा है जी, जिस पर कि हमारी सीट आपको मैंने बताई है, B01 B02। और ये ट्रेन जो है ये 6 बजे यहाँ से रवाना होगी और ये इसका सुपर डिलेक्स। ये इसकी कंटीन है जी, चाय की कंटीन है ये। नाज़िर, इससे पहले जो मैंने लोकोमोटर का नंबर बताया था वो पहले इंजन लगा हुआ था, लेकिन अब उसको हटा कर अब ये GEU 24568 इसको लेकर रावलपिंडी जाएगा। कराम, हम लोग लाहौर से रावलपिंडी पहुंच गए हैं और ट्रेन बहुत अच्छे टाइम पर आई है, नॉन स्टॉप ट्रेन थी। नाज़रीन कराम, हम लोग आज सुबह गिरफ्तार रेलकार से लाहौर के लिए रवाना हुए सुबह 7 बजे और वहां पर हम लोग पहुंचे तकरीबन 12:30 बजे के। काफ़ी स्लो गाड़ी गई सुबह, आधा घंटा तकरीबन वो लेट थी। और उसके बाद हमने आपको मुख्तलिफ स्टेशन भी दिखाए और इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे जब इसको हम अपलोड करेंगे। उसके बाद शाम को हम वापसी पर दोबारा रावलपिंडी के लिए हमने 6 बजे की ट्रेन जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस है वही थी उसको हमने मंतखब किया। और वहाँ पर एक जो मैं चाहता हूँ कि जो गलती हुई मुझसे वो ये थी, मैंने सुबह गिरफ्तार कहा लेकिन बाद में पता लगा कि वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस है जो कि नॉन स्टॉप है। तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं, 10:30 बजे गाड़ी जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पहुंच चुकी है और आज का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा।
वहाँ पर गर्मी थी लेकिन रावलपिंडी में सर्दी है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे मुफीद मशवरा देंगे, ओपिनियन देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको इसी तरह की वीडियोस दिखाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।